नमस्ते धर्माचार्य मंगल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नमस्ते। कैसा लग रहा है आज आपको? 14 अगस्त मना रहे हैं आपने, आज केक भी काटा, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? 14 अगस्त तो अच्छा ही होता है और एक साल हमारा एक कम हो गया, लेकिन आगे चल के हम लोग इसको बुनियादी तरीके से मजबूत करना है, वो हम लोग करते नहीं हैं। आज का दिन ही हम लोग 14 अगस्त बना के उसको भूल जाते हैं। बड़ी खुशी का दिन है और हमें खुश भी होना चाहिए और आइंदा के लिए, मुल्क के लिए अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए। आप CMMP के काफ़ी मर्तबा अहदेदार रहे हैं, बताएं अपनी लाइफ के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौम के लिए आपने क्या क्या किया CMMP कराची कुम्भारवाड़े के हवाले से? CMMP कुम्भारवाड़े के हवाले से तो नहीं किया मैंने, तो कौमी लिहाज से किया, कराची के लिहाज से किया। इसके अलावा तमाम और भी पंचायतें हैं, मारीपुर, ग्रेक्स, मेमनगोड है या सिंध के हवाले से, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ में और मेरा ख्याल में शायद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें कौम ने हमें इग्नोर किया हो या हमने कौम को इग्नोर किया हो। जहाँ तक भी मुमकिन हुआ है, कोई भी तरक्याती काम के लिए या सोशल काम के लिए या किसी की इमदाद के लिए, उसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया है। अच्छा, इस वक्त ये एक अफवाहें चल रही हैं या हकीकत है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो बदीन वाला प्लॉट है जो कि शायद लाखों करोड़ों की मिल्कियत है, सुना है कि वो बेचा जा रहा है या बेचने की बातें चल रही हैं, क्या है आपके लिहाज से क्या है ये सिलसिला, ज़रा कौम को बताएं। ये अभी तो खैर इसका पता नहीं है, लेकिन ये 2-3 साल पहले इसका सिस्टम हुआ था, क्योंकि उस प्लाट में अभी थोड़ी कंजस्टेड वो जगह हो गई है और वहाँ काफ़ी तकालीफ भी होती है, हमें जो हमारी बसें जाती है या हमारे जो यात्री जाते हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो उसमें मैं मीटिंग में बैठा भी था इनके साथ, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था, एक कमेटी डिसाइड हुई थी कि इसको बेच के, इसके रकम का तो खैर पता नहीं मेरे को, लेकिन अच्छी खासी रकम मिलेगी जो पहले से बेहतर होगी। तो इसी लाइन में आगे जो है, आगे कोई बड़ा प्लाट था उसको इन्होंने चॉइस किया था, उसमें फिर वो धर्मगुरु थे उनका भी कोई मसला आया पेश, फिर पंचायत का मसला आया, इसके अलावा धनी मातंग समिति थी जो उधर संभालती है, फिर इनका आपस में कोई कागजी चक्कर हुआ था, फिर कागजात और ये तय हुआ था कि ये पंचायत का प्लाट है, लेकिन बाद में मातंग बरादरी और पंचायत का कोई डिस्प्यूट रहा, उस वजह से ये शायद रुक गया कोई काम। अच्छा, ये यानी तय था कि इस प्लाट को बेच देंगे और आगे कडन या सोनीगुनी के आसपास प्लाट जो है दूसरा खरीदेंगे, जिससे कौम को यात्रा करने में या आने जाने में या डाडा का जन्मदिन मनाने में आसानी हो। लेकिन इस बारे में कौम से CMMP कुम्भारवाड़ा या सेवा समिति या अवा बरादरी ने इनकी राय ली है कौम की, जो हमारे महेश्वरी बरादरी है? नहीं नहीं, कौम की राय तो नहीं ली है, क्योंकि असल में ये अथोराइज कमेटियाँ हैं, समिति भी ये अथोराइज है जो उधर का सिस्टम संभालती है। मातंग बरादरी एक हमारे ग्रुप है हम लोगों का जो मजहबी लिहाज से वो संभालता है, या CMPP जो है वो उनका किरदार इतना होता है कि वो परमिशन के हवाले से जो करते हैं, तो वो आपस में ही जो है ये बात करके फिर उसमें कमेटी एक तय की थी कि भाई ये मिलके, फिर इसके बाद तो लोग भी गए थे उधर, इंक्वायरियाँ की, ये किया, फिर मामला जो है ये चुप हो गया, बंद हो गया, या आपस में इनका कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसको भी कौम के लिहाज से ना किसी ने भी कोई आगाही नहीं दी है कि आगे क्लियरेंस क्या है। इस वक्त CMMP में जो लोग बैठे हैं, क्या वो राइट पर बैठे हैं या इलीगल बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने सदर साहब जो थे काकू साहब, उनको भी मुअत्तल कर दिया है, और जो प्रेसिडेंट साहब थे कांजी भाई वो भी इंतकाल कर चुके हैं, उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी मुअत्तल हैं। क्या इस वक्त क्या पोजीशन है CMMP अहदेदारों की या वहाँ जमात की? पंचायत तो देखें, ये चाचा मामा और भतीजा के हवाले से चल रही है। अच्छा, एक चला गया, दूसरा उसको लेके बैठ गया, इस तरह चला रहे हैं। इनको तो मैंने पहले भी मैसेज दिया था
कि इनको जाना चाहिए, इनको जनरल बॉडी करके अकाउंट देना चाहिए। अभी ये सुनने में आया है कि ये अकाउंट में ही उलझा दिया है कि पिछली कोई कमेटी ने अकाउंट नहीं दिया। आप अपना अकाउंट देके इसको क्लियर करें, आप पिछले को छोड़ें, पिछले को आवाम के ऊपर रोक दें और आपको जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा काकू जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो भी अभी दोबारा बहाल भी हो गया है, शायद आपके इलम में नहीं है, कल इसकी कोई नोटिस भी निकली है। और बाकी वो जो वाइस प्रेसिडेंट थे या जो मेंबरान थे जिनके ऊपर इन्होंने चार्ज लगाया था, उनका इस्तीफ़ा कबूल करके उनको ख़त्म कर दिया है। अच्छा, सीएमएमपी के पास जेडीएम न्यूज़ जब भी जाता है तो वो कोई बयान नहीं देते, वो कहते हैं कि हमारे आईन के ख़िलाफ़ है या आईन में मना किया गया है। इस बारे में ज़रा आप हमें समझाएं या बताएं क्या हकीकत क्या है। असल में क्या है कि सीएमपी जो है, मैशरी पंचायत जो है, वो हमेशा किसी न किसी मामले में हाथ उठा देती है। वो बयान इसीलिए नहीं दे रहे कि हमारे पास अन एजुकेटेड पर्सन है, उनके पास कोई मुत्तफिक या कोई वाजिब जवाब नहीं है देने के लिए। जवाब देने के लिए होता तो हमें तो जो भी कभी कोई बोलता है, रोड पे भी कोई बोल देता है, हम लोग जवाब दे देते हैं। इसके अलावा इलेक्शन के टाइम भी आते हैं तो कभी वो कहेंगे कि नहीं, इससे हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है। कल कोई एमपी एमएनए आता है तो बोलते हैं कि भाई इसने कुछ काम नहीं किया। अभी भी एक सिस्टम चल रहा था कोरोना वायरस के हवाले से, ये मैं बात करता चलूँ आपसे कि उसमें कुछ फंड मिला था, उसमें कुछ अखराजात भी हुए, मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, अकाउंट भी दे दिया, अकाउंट तो खजानची और इंचार्ज के पास होता है। इसी दरमियान एक इलाकाई एमपीए और एमएनए ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें 1.5 लाख रुपए का कहा था। दूसरे दिन उनके कोऑर्डिनेटर ने अखबार में दिया, मैसेज दिया कि भाई इनको पैसे हमने दे दिए। किसको दिए भाई? सीएमपी का काम है, अगर वो पैसे दिए हैं तो वो कोरोना वायरस कमेटी को दें, और अगर नहीं दिए तो उसके तरदीद के लिए मैसेज भेजें। किसने, कौन से एमएनए, क्या नाम था जिन्होंने हेल्प किया आप लोगों की या करने वाले थे? ये इलाका ये है, रमज़ान गाची थे एमपीए और शकूर शाद करके, उनकी उनकी बात हुई थी। लेकिन उनके पास हमारी कम्युनिटी का एक कोऑर्डिनेटर है, वो मोहन दिवरिया है, उनका लड़का है कोई, तो मेरी तो खैर उनसे बात नहीं हुई, लेकिन ये आपस में कोई बातचीत हुई है पंचायत की ये, वो तो हमने कहा भाई किसी भी राह से अगर वो इमदाद दे रहे हैं तो वो जो है वो पंचायत को दे दे या कमेटी को दे दे। लेकिन अभी तक भी उस पेमेंट का भी कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। आप जेडीएम न्यूज़ को किस नज़र से देखते हैं और आप किस हैसियत रखती है आपके आगे जेडीएम न्यूज़, इस बारे में हमें आप ज़रूर आगाह करें। जेडीएम न्यूज़ का मसला ये है कि शायद कोई दोस्तों में से या कोई जो है उनको गलत तरीके से भेजता है या करता है, उस लिहाज से जो है ये कतराते हैं ना जो ये पंचायत वाले। बहरहाल एक अच्छा काम है, अच्छी बुनियाद रखी गई है, इससे हमारी कौम को अवेयरनेस मिलती है, मैसेजेस मिलते हैं, और यही चीज़ें जो होती है इनकलाब को बरपा करती है। आज 14 अगस्त के दिन आप कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पूरी पाकिस्तान कौम को? मैं तमाम अकलियती बरादरी, मुस्लिम बरादरी और पाकिस्तान के लोगों को यही कहूँगा कि 14 अगस्त हम लोग झंडे या कपड़े चेंज करके खुशी तो मनाते हैं, लेकिन इसको जो 365 दिन रहते हैं उसको अच्छा करने की कोशिश भी करें, और हम आपस में मिलजुल के रहें, हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंगल भाई, थैंक यू वेरी मच।